ये क्या है? ये 100 में से 200 नंबर मिले हैं तुम्हें। पहले 100 तुम्हारे सही जवाबों के लिए और बाकी के 100 मुझ जैसे पत्थर दिल का साथ ना छोड़ने के लिए। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। हेलो, क्या खाना नहीं खा रहा? ड्रामा कर रहा है वो। नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा ना। ठीक है, मैं आता हूँ वहीं। इतनी देर हो गई है। कल्याणी, ये तुझे मल्हार जी के आसपास हो क्या जाता है? तू इससे अचानक नाचने गाने वाले सपने क्यों देखने लगती है? तेरे दिमाग में ये क्या केमिकल गड़बड़ चल रहा है ना, पता नहीं। कल्याणी, क्या हो गया मल्हार जी? ये किसका बच्चा है? मोक्ष का है। किसका बच्चे का क्या मतलब है? मल्हार जी खुद के बच्चे को नहीं पहचानते आप? पिल्लू ही तो है वो। ये मेरा बच्चा है। अच्छा, वो चेहरे पे? ओफो मल्हार जी, मैं आपको समझाती हूँ। आई ने मुझे क्या कहा था कि मैं पिल्लू को ना एक छोटा सा काला टीका लगा दूं और उसके गले में काला धागा भी बांध दूं ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। तो इसीलिए मैंने अपने पिल्लू को बड़ा सा टीका लगा दिया। मुझे लगा था कि इसकी क्यूटनेस थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर इसको लोगों की नजर नहीं लगेगी। लेकिन मेरा बेबी तो कितना क्यूट है, देखो अभी भी कितना क्यूट लग रहा है। मल्हार जी, मुझे लगता है ना कि हमें ना पिल्लू की पूरी शक्ल ब्लैक कर देनी चाहिए काजल से, तब जाके इसको नजर लगना बंद होगी। कल्याणी, ये साफ करो, साफ करो, ये साफ करो मेरे बच्चे पे से। क्या है ये? नहीं मल्हार जी, जब से मेरे पिल्लू के साथ ये सब होने लगा है ना, तब से तो मैं ये नजर वजह में बहुत बिलीव करती हूँ। हाँ, मैं ये काला टीका नहीं हटाऊंगी, मैं एक और लगाऊंगी। बल्कि कल्याणी, इसको साफ करो वरना बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे मुंह पे टीके लगा दूंगा मैं, समझे तुम? क्या मल्हार जी, आप भी डायरेक्टली बोल सकते हैं आप कि मैं इतनी प्रिटी हूँ, इतनी क्यूट हूँ, क्या आपको डर लगता है कि कहीं मुझे किसी की नजर ना लग जाए? हाँ कल्याणी, मैं तुम्हारे चेहरे पे टीका इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि तुम पूरे औरंगाबाद में सबसे खूबसूरत हो। Thank you.
यहाँ तक आए? हाँ मल्हार जी, आपने अभी अभी जो कहा वो आपने दिल से कहा। क्या मैंने कुछ नहीं कहा? और वो जो गाना, अरे भाई कौन सा गाना? कुछ कौन सा? टिश्यू पेपर कहाँ है? टिश्यू पेपर कहाँ है? मल्हार जी रहने दीजिए ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। मोक्ष राम, हिम्मत हिम्मत। खुद अपनी आवाज बनना सीखो ताई। देखिए मैं जानती हूं कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप आओ साहब के एहसानों तले दबी है, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि पूरी जिंदगी हमेशा आपको एक पति की कमी महसूस हुई है। अब वामन भाव खुद वापस आए हैं, तो अगर इतने इंतजार के बाद आपको आपके परिवार को पूरा करने का मौका मिल रहा है तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चोट ही लगेगी ना तो क्या होगा, पागल हो जाऊंगी ना मैं? हाँ, अरे अच्छा है ना, देखो लोग क्या कहेंगे, दोनों माँ बेटी पागल हो चुके हैं, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलके पागल पागल खेलेंगे, क्योंकि मेरी आई का तो दिमाग पहले से ही खराब है ना। साफ साफ बताओगी क्या हुआ है? क्या जरूरत है तुम्हें आत्या के लिए इतना दरिया दिल बनने की? भूल गई किस तरीके से वो तुम्हारे साथ बर्ताव करती आई है, सब भूल गई तुम? अरे उनकी लाइफ है ना, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? उनकी लाइफ है, उन्हें हैंडल करने दो। उनकी वजह से तुम आओ साहब से क्यों पंगा ले रही हो? वैसे पहले से तुम्हारे क्या कोई कम 36 का आंकड़ा है आओ साहब के साथ? तो ये सब सीधे सीधे नहीं बता सकती थी, ये सर पटक के नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? आओ बैठो इधर। अरे बैठो बैठो। देखो कल्याणी, कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, सब में थोड़े रावण और थोड़े राम जी होते ही हैं। और ताई ने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, सच तो यही है ना कि पूरी जिंदगी उन्होंने अकेलेपन में ही गुजारी है, और अकेलेपन में जिंदगी गुजारने में क्या दुख है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। फिर चली गई ना तुम मीना कुमारी वाले जोन में, क्या आई तुम भी बात बात पे? मुझे ना तुम्हारा ये फंडा समझ में नहीं आया। अरे हर इंसान के अंदर रावण और राम जी कैसे हो सकते हैं? कुछ भी हाँ मतलब। अरे मैंने तो तुम्हारे अंदर कोई रावण नहीं देखे है। मेरी बात पूरी तो सुनो, अगर मैंने ताई का जानबूझकर साथ नहीं दिया और उन्हें अकेलेपन में ही जिंदगी गुजारने दी तो फिर उनमें और मुझ में फर्क ही क्या होगा, है ना? और वैसे भी कल्याणी, ताई जो भी सजा भुगत रही है ना वो अतुल की गलतियों की वजह से, ये तो सही बात नहीं है ना। क्या अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं होता? हो गया, पूरा यकीन हो गया इस बात का कि तुम्हारे अंदर कोई रावण नहीं, तुम्हारे अंदर सिर्फ राम जी और थोड़ी सी मीना कुमारी है। आई सही कहा तुमने, आत्या का साथ देना चाहिए।
भला आत्या को पापा और माधुरी की गलतियों की सजा क्यों मिले, है ना? बहुत स्मार्ट हो तुम। बस बेटा हिलमत हिलम मोक्ष, एक सेकेंड, हो गया यार। मोक्षा कितना बचपना है ना तेरी आई में, मतलब कद ऊंचा हो गया उसका, लेकिन दिमाग से बिल्कुल बच्चे की बच्ची है। जब तेरी हाइट अपनी आई के बराबर हो जाएगी ना, तो वो क्या बोलते हैं उसे, मैच्योरिटी, तो तू उससे भी ज्यादा मैच्योर होगा। कभी कभी इतने बचपने वाली हरकत करती है तेरी आई के बच्चे भी शर्मा जाए। पता नहीं कब बड़ी होगी। अभी ठीक लग रहा है? मोक्ष और आपके बीच कुछ नहीं, वो मोक्ष मुझे बता रहा था कि वो कितना डर गया था उसके मेकअप के बाद। उसे लगा कि उसके बड़े होने के बाद तुम उसको सर्कस में जोकर बना दोगी, है ना मोक्ष? अरे नहीं बेला बेबी, मैं आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस कर दो उसको, डरा हुआ है। प्रॉमिस कर दो। और तू क्या? तुझे बड़ी हंसी आ रही है हाँ? तेरी तो अगर तेरे भी दांत होते ना, ऐसे खींच के तोड़ देती तेरे दांत। उसमें हंसेगा तू? पनिशमेंट तो तुझे मिलेगी, और तेरी पनिशमेंट ये है कि मैं तुझे कंकड़ी करूंगी, कंकड़ी कंकड़ी, और करो वापस हंसेगा मुझ पे, हंसेगा वापस, हंसेगा। क्या हंस रहा है तू? अभी भी गुस्सा हूँ मैं तुझसे। अगली बार ना मुझ पे हंसने से पहले 10 बार सोच लेना तू। सोच ले बेटा, तेरे बाबा तो काम पे निकल जाया करेंगे, फिर सारा दिन तुझे मेरे साथ ही रहना है। अगर तू ऐसे मेरा मजाक उड़ाएगा ना, तो ऐसे ही मैं सारा दिन तुझे गुदगुदी करती रहा करूंगी। अभी भी करूँ और नहीं ना? और हाँ एक सेकेंड, ये क्या तेरे बाबा और तेरे बीच क्या बातें हो रही थी? हा? क्या बोल रहे थे तेरे बाबा कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? मैं क्या करूं मैच्योर दिखने के लिए? कौन है मैच्योर? आई, हाँ आई बहुत मैच्योर है ना। क्या क्या करती है आई? आई हमेशा सीरियस रहती है, कम बोलती है और बोरिंग कलर्स के कपड़े पहनती है। अब अगर मल्हार जी को ऐसे बोरिंग लोग पसंद है तो कोई नहीं, कल्याणी मल्हार जी के लिए बोरिंग भी बन जाएगी। जैसे बोरिंग कलर के कपड़े तो मैं नहीं पहन पाऊंगी, लेकिन मैं आई जैसे बन बना के तो घूम सकती हूँ ना, ताकि मैं थोड़ी मैच्योर तो लगूं। एटलीस्ट लग रही हूँ ना मैं मैच्योर, है ना? अब तो मल्हार जी को मैं मैच्योर लगनी चाहिए, है ना? ऐसे कैसे भाग गया हा? अरे इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे भाग निकला? तुम लोग सो रहे थे क्या वहां पे? पवार मुझे कुछ नहीं पता, चाहे और लोग बुलाओ या बाहर से पुलिस फोर्स मंगाओ, वो बच के नहीं जाना चाहिए। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो। अरे आधे घंटे में मुग्धा का कोर्ट में बयान है। क्या हुआ मल्हार जी? अदर हॉस्पिटल से भाग गया है संपदा का। ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ। कहाँ है वो? हाँ कहाँ है अदर? उसी का फोन था ना, उसी से बात कर रही थी ना तुम। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? अथर्व तो तुम्हारे ही रसद में था ना। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो संपदा, तुम्हें तो पता होगा ना वो भाग गया है। और तुम उसी से बात कर रही थी ना? कहाँ गया है वो? कहाँ है वो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। तुम चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकते हो, ना ही मैं अथर्व से बात कर रही थी और ना ही करना चाहती हूँ। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है
उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, उसका चेहरा नहीं देखना चाहती मैं। नहीं संपदा, इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं। बताओ मुझे वो कहाँ है, जवाब दो कहाँ है वो। मल्हार मुझे। हेलो, हाँ मुग्धा। हमारे घर के बाहर? मुझे लगा था जो हुआ उसके बाद तुम बदल जाओगी संपदा, लेकिन तुम नहीं। कल्याणी मुझे कुछ नहीं पता। मुग्धा तुम यहाँ? वो अथर्व। सॉरी मुग्धा, वो अथर्व किस तरह से हॉस्पिटल से भाग निकला, लेकिन तुम फिंगर मत करो, कुछ भरोसा रखो, मैं उसको पकड़ लूंगा। वो बात नहीं है ऑफिसर। देखो पता नहीं ये सब कैसे हुआ, और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैंने सब जगह नाकाबंदी लगवा दी है, बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा मैं उसे। ऑफिसर एक्चुअली मैं अथर्व के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगी। क्या? क्यों? स्टेटमेंट नहीं, धमकाया है ना तो तुम्हें? धमकाया है ना? उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी है, इनफैक्ट मैंने ही उसे हॉस्पिटल से भगाया है। क्या बातें कर रहे हो तुम ये? तुमने उसको हॉस्पिटल से भगाया, वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था, और तुम बोल रहे हो तुमने उसको हॉस्पिटल से भगा दिया। तुम कोई भद्दा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है ऑफिसर, और वो कहीं नहीं भागा हॉस्पिटल से, वो यहीं है मेरी कार में, देखिए। कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। मैं तो यहीं छोड़ के गई थी कार में। अरे तो कार में नहीं है तो कहाँ चला गया? कल्याणी! भाई! कितना गंदा है, तू अपने दूध में शक्कर क्यों नहीं डालता? बॉर्नविटा डाल के दूध पिया कर। हेलो, ए छोड़ मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे दूर हट, हट हट, उठ वरना घुमा के दूंगा, चल उठ यहां से। ये वो अथर्व नहीं है जिसे आप जानते थे, कल एक्सीडेंट के बाद इसे कुछ हो गया है, ये एक 5 साल के बच्चे जैसा हो गया है। मुझसे कल इंतजार नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरे अंदर बहुत ज्यादा भड़ास थी अथर्व के लिए जो मैं निकालना चाहती थी, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो अथर्व को बस होश आया ही था, और फिर डॉक्टर ने मुझे अथर्व की हालत के बारे में बताया कि किस तरह ये एक छोटे बच्चे की तरह आपके हवलदारों से डर के रो रहा था। मुझसे अथर्व की यह हालत देखी नहीं गई, आखिर मेंटल डिसऑर्डर की तकलीफ मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। मैं जानती हूं कि अथर्व ने हम सबके साथ बहुत गलत किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सच में एक 5 साल का बच्चा बन गया है तो हम उसे सजा कैसे दे सकते हैं ऑफिसर? इसीलिए मैंने अथर्व को हॉस्पिटल से भगा दिया।